एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी की कक्षा 12 की बायोलॉजी का थर्ड चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव में जनन। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है निषेचन और रोपण या फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। अब तक के जो वीडियोस थे उसमें हमने जनन तंत्र, नर व मादा जनन तंत्र के बारे में हमने पढ़ा, किस प्रकार स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण और ऊजेनेसिस की प्रक्रिया द्वारा अंडाणुओं का निर्माण उन जननांगों में होता है। और साथ ही पिछले जो वीडियो था उसमें हमने महिलाओं में पाए जाने वाले मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में अध्ययन किया था। आज की जो चर्चा है वो है अपने फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन की। जो अंडोत्सर की क्रिया जो होती है, जिसके फलस्वरूप ग्रेफियन फॉलिकल से अंडाणु निकलता है प्रत्येक मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे। आइडियली यदि हम लोग बात करें तो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के ठीक मध्य में जब LH और FSH की मात्रा एकाएक बहुत ज़्यादा हो जाती है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की का स्राव अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाता है एकाएक, उस कंडीशन के लिए हमने शब्द कल चर्चा की थी, वो था LH सर्ज। उस LH सर्ज के कारण से अंडोत्सर की क्रिया हुई और उस अंडोत्सर के फलस्वरूप जो ओवम जो था, जो अपनी सेकेंडरी ऊसाइट कंडीशन में था, वो ओवेरी से रिलीज हो गया और वो चला जाता है फेलोपियन ट्यूब में। ठीक है, अब फेलोपियन ट्यूब में जब ये ओवम पहुंच जाता है अपनी सेकेंडरी ऊसाइट अवस्था में, तब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कैसे होगी उस पर हम लोगों को डिस्कशन करना है। ओवम जो है, जो बार बार जो मैं कह रहा हूँ, सेकेंडरी ऊसाइट की कंडीशन में है, इसका दूसरा मियोटिक डिवीज़न पूर्ण नहीं हुआ है, ये अपने मियोसिस सेकेंड में अटका हुआ है, उसका विभाजन दूसरा परिपक्व विभाजन कह दो, चाहे मियोसिस सेकेंड कह दें, कि वो अटका हुआ है। और उस कंडीशन में वो फेलोपियन ट्यूब का शुरुआती भाग इनफंडिबुलम से होकर एम्पुला वाले भाग में आ जाता है। तीन भाग हम लोग जानते हैं कि फेलोपियन ट्यूब के तीन भाग है। शुरुआती भाग को हिंदी में कीपक या अंग्रेजी में इनफंडिबुलम बोलते हैं, और ये कीपक या इनफंडिबुलम के शुरुआती भाग फिम्बरी कहलाते हैं, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है, अंगुली नुमा उभार होते हैं वो फिम्बरी। फिम्बरी की सहायता से जो रिलीज्ड ओवम है वो इनफंडिबुलम में जाता है, इनफंडिबुलम से एम्पुला की ओर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है सीलिएटेड एपिथीलियम द्वारा, कि जो फेलोपियन ट्यूब की आंतरिक जो परत है, उपकला जो है, वो पक्षमा भी उपकला होती है सीलिएटेड एपिथीलियम, और उसकी सीलिया उस ओवम को धकेल कर आगे बढ़ाती रहती है और वो एम्पुलरी रीजन में आ जाता है। इसी दौरान यदि नर द्वारा संभोग के दौरान या मैथुन क्रिया के दौरान मादा की या उस महिला के शरीर में, यानी उसके योनि में वीर्य त्यागता है, वीर्य यानी सीमन त्यागता है, इस प्रोसेस को भी हमने पढ़ चुके हैं, इनसेमिनेशन कहते हैं। इनसेमिनेशन के द्वारा अपने शुक्राणुओं को, अपने वीर्य को जननांगों में त्यागता है मादा के, तो वो शुक्राणु तैरते हुए, वीर्य में तैरते हुए शुक्राणु भी यदि उसी समय एम्पुलरी रीजन में आ जाते हैं फेलोपियन ट्यूब के, तब निषेचन होता है। यानी एक तुल्यकालिक घटना है, दोनों एक साथ, अंडाणु और शुक्राणु दोनों एक साथ एम्पुला वाले भाग में फेलोपियन ट्यूब के जब आते हैं तब निषेचन होता है। यदि अंडाणु आगे हो जाता है, स्थमस में पहुंच जाता है, तो वहाँ पे निषेचन नहीं होगा। ठीक है, निषेचन की क्रिया फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला वाले पोर्शन में होगा, भाग में होगा, तो दोनों एक साथ पहुँचना ज़रूरी है। वहाँ पे जब अंडाणु पहुँचता है अंडाणु पहुंचता है और उसी समय शुक्राणु पहुंचते हैं,
तो जैसे कि हम लोग जब ये शुक्र जनन वाला वीडियो जब हम लोग उसमें चर्चा की थी, एक बार में औसतन करोड़ों की संख्या में, 20 से 30 करोड़ की संख्या में शुक्राणु त्यागे जाते हैं। उनमें से जो शुक्राणु सबसे पहले आकर अंडाणु की जोना पेलिसिडा वाले पोर्शन को, जोना पेलिसिडा वाले पोर्शन को टच करता है, तो जोना पेलुसिडा में ऐसे परिवर्तन होते हैं। ये जोना पेलुसिडा दिखाई गई, ये वाली परत, ये जो परत दिखाई गई ये जोना पेलुसिडा है। इसको जब शुक्राणु टच करता है तब इस जोना पेलुसिडा में ऐसे परिवर्तन होते हैं कि कोई भी अन्य शुक्राणु अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। केवल उस पॉइंट विशेष पर ही शुक्राणु जो है उस अंड झिल्ली को पेनिट्रेट कर सकता है, उसमें छेद कर सकता है, जिस स्थान पर वो टच करता है, छूता है। बाकी सभी जगह जोना पेलुसिडा शुक्राणु के द्वारा जो एक्रोसोम में उसमें जो एंजाइम्स है उनके लिए वो भेदने योग्य नहीं रह जाती। पहले है भेदने योग्य, लेकिन जैसे ही कोई एक शुक्राणु इस जोना पेलुसिडा को टच करता है, वैसे ही जोना पेलुसिडा के बाकी सभी हिस्से में, उस एक बिंदु विशेष को छोड़कर बाकी सब हिस्से में ऐसे रासायनिक परिवर्तन होते हैं कि कोई भी अन्य शुक्राणु का एक्रोसोम द्वारा स्रावित एंजाइम उस जोना पेलुसिडा में छेद नहीं कर पाता है। जोना पेलुसिडा से पहले अंड झिल्ली एक और थी, जो कि जिसको हम लोग कोरोना रेडिएटा कहते हैं। ये कोरोना रेडिएटा दिखाई गई है, इसको भी एक्रोसोम द्वारा स्रावित एंजाइम्स इसको गला देते हैं। गलाने बाद जगह होती है, जगह होकर जैसे ही है जोना पेलुसिडा वो टच करते हैं, फर्स्ट जो स्पर्म जिसको जो टच करेगा, तो उसके बाद पूरी जोना पेलुसिडा में ऐसे परिवर्तन होंगे कि वो किसी भी स्पर्म के लिए अपारगम्य हो जाएगी, उसको भेदने योग्य नहीं होंगी। यानी उस एक्रोसोम में जो एंजाइम्स हैं जिनके नाम हमने पढ़े थे, हाइलुरोनिडेज, एक्रोसिन, एक्रोसोमिन आदि, उनके लिए उस अंड झिल्ली को, जोना पेलुसिडा को गलाने का की योग्यता समाप्त हो जाती है। यानी उसमें अलग प्रकार के रासायनिक परिवर्तन हो जाते हैं। इससे फ़ायदा क्या हुआ कि एक अंडाणु में केवल एक शुक्राणु ही अंदर प्रवेश करेगा। फिर निषेचन के हम लोग जानते हैं परिभाषा कि नर युग्मक व मादा युग्मक के संयोजन को, द फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन, है ना। तो फ्यूज़न है, ये नर व मादा युग्मकों का संयोजन है, और उस संयोजन को ही क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं, है ना। एक और डायग्राम के द्वारा हम लोग इसको देखते हैं, जिसमें ये तीन भागों में बांटा है इस डायग्राम को, ए पोर्शन इधर, फिर ये बी और ये सी, तीन डायग्राम होंगे। पहले में देखते हैं हम लोग, ये बहुत सारे शुक्राणु बाहर दिख रहे हैं और ये एक शुक्राणु अंदर प्रवेश कर गया। सामान्यतः इसकी पूंछ अंदर नहीं आती, इस डायग्राम में इसकी पूंछ भी अंदर दिखा दी गई, पूंछ बाहर रह जाती है। मध्य भाग जिसमें माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं और शीर्ष, गर्दन, ग्रीवा और हेड, चार भाग हमने पढ़ा था, हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल, तो टेल को छोड़कर बाकी सभी चीज़ें अंदर प्रवेश कर जाती है, ठीक है। तो ये एक स्पर्म अंदर आ गया, इसको लिखा है फर्टिलाइजिंग स्पर्म, बाकी सब बाहर रह गए। ये जो कोशिकाएं सी दिख रही है ये कोरोना रेडिएटा है, ये जो ग्रे कलर का जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है वो जोना पेलुसिडा है। और जैसे ही कोई शुक्राणु अंदर प्रवेश करता है, उसी समय दूसरा परिपक्व विभाजन या मियोसिस सेकेंड पूर्ण हो जाता है। मियोसिस सेकेंड पूर्ण होता है तो सेकेंड पोलर बॉडी और बन जाती है, तभी इधर दो पोलर बॉडी दिख रही है। फर्स्ट पोलर बॉडी तो कब बनी थी, मियोसिस फर्स्ट में, हमने अंडजनन की प्रक्रिया हमने पढ़ी है, एक अलग से वीडियो भी उसका ऊजिनेसिस का, तो उसमें हमने देखा था कि इस ऊजिनेसिस के दौरान जो मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड होते हैं दोनों में ही अनइक्वल डिवीज़न होता है, अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न होता है, ठीक है। तो उसके कारण से एक बड़ी कोशिका एक छोटी कोशिका बनती है, वो छोटी कोशिका आगे डिवीज़न नहीं करती है, उनको हमने नाम दिया पोलर बॉडी। तो ये पहली पोलर बॉडी तो पहले से मौजूद थी। ये दूसरी पोलर बॉडी कब बनी, जब फर्टिलाइजेशन हुआ तब उसका मियोसिस सेकेंड पूर्ण हुआ, मियोसिस सेकेंड अटका हुआ था,
और ये बहुत बार मैं बोल चुका हूँ, आज के इस वीडियो में भी मैंने दो तीन बार पहले रिपीट किया है, वापस रिपीट करता हूँ। ग्रेफियन फॉलिकल से या ओवेरी से जो ओवम रिलीज होता है वो वास्तविक ओवम नहीं होता है, वो सेकेंडरी ऊसाइट कंडीशन में है। सेकेंडरी ऊसाइट है वो अपने दूसरे अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस सेकेंड में अटका हुआ है, मेटाफेज फेज में अटका हुआ है। वो डिवीज़न कब कंप्लीट होता है? जब फर्टिलाइजेशन होता है। जब फर्टिलाइजेशन मतलब जब उसमें स्पर्म उसके कांटेक्ट में आता है। यदि कोई स्पर्म उस सेकेंडरी ऊसाइट के कांटेक्ट में नहीं आता तो दूसरा जो मियोसिस सेकेंड है वो कंप्लीट भी नहीं होता है और ये सेकेंड पोलर बॉडी भी नहीं बनती। तो अब उस फर्टिलाइजेशन के समय वास्तविक ओवम बना है, जिसको ओटिड भी बोल देते हैं। ओटिड, OOTID, ओटिड भी इसके लिए प्रचलित शब्द है। ठीक है, अब क्या होगा कि इस दूसरे में देखते हैं, मिक्सिंग ऑफ सेल न्यूक्लियाई एंड क्रोमोसोम ऑफ ओवम एंड स्पर्म, दोनों के न्यूक्लियस मिल रहे हैं, दोनों के केंद्रक मिलकर एकल केंद्रक बन गए। ये जो स्पर्म था ये अपने साथ में 23 गुणसूत्र लेके आया था, 23 क्रोमोसोम्स, और इसके अंदर 23 क्रोमोसोम्स थे, है ना? तो 23 23 मिलकर यहाँ पे 46 क्रोमोसोम्स हो रहे हैं, यहाँ पे ये 46 क्रोमोसोम्स हो रहे हैं। वापस पुनः जो अपनी 2N कंडीशन जो है वो स्थापित हो रही है। और इसी समय ये तय होगा कि भावी संतति जो है इस युग्मनज से, ये अब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो गया तो ये 2N कंडीशन हो गई, अब इसको लिए नाम क्या हो गया, ये जाइगोट हो गया। इस जाइगोट से में डेवलपमेंट के फलस्वरूप जो ऑफस्प्रिंग पैदा होगी यानी जो संतति पैदा होगी वो लड़का होगी या होगा या लड़की होगी, इसका निर्धारण इसी समय हो गया कि कौन सा स्पर्म अंदर गया है, कौन सा स्पर्म अंदर गया है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, हालांकि ये अलग से अपने एक चैप्टर में हो रहेगा, यहाँ पे भी ये है। तो हम लोग जानते हैं कि जो मेल जो होता है उसमें जो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें 44 क्रोमोसोम्स होते हैं ऑटोसोम, ठीक है, और एक जोड़ा जो है, कुल 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, 22 जोड़े तो हो गए ऑटोसोम, एक जोड़ा होता है एलोसोम या सेक्स क्रोमोसोम। तो सेक्स क्रोमोसोम कौन से हैं? एक्स और वाई, ये मेल में, और जो फीमेल है उसमें दोनों ही जो सेक्स क्रोमोसोम है दोनों एक टाइप के हैं, इसलिए महिलाएं जितने भी गैमिट्स बनाती हैं वो सब एक ही प्रकार की होती है, सब एक ही टाइप की। सब में जो 23 क्रोमोसोम है वो कैसे हैं? 22+X। जबकि मेल जो स्पर्म रिलीज करता है, अभी जैसे हमने कहा 20 से 30 करोड़ स्पर्म रिलीज करता है, तो उसमें आधे तो होते हैं एक्स क्रोमोसोम युक्त और आधे होते हैं वाई क्रोमोसोम युक्त। तो इसका मतलब लड़का होगा या लड़की होगा ये उस स्पर्म पर डिपेंड करता है जो कि ओवम को फर्टिलाइज करेगा। यदि एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज करता है, ओवम में तो एक्स होकर ना होना ही है, ओवम में तो एक्स होना ही है, तो भावी जो संतति होगी वो लड़की होगी। ठीक है, और यदि वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म फर्टिलाइज करता है क्रोमोसोम को, उसको ओवम को, तो भावी जो संतति है वो लड़का होगा। तो लड़का होना या लड़की होने वैसे तो एक संयोगात्मक घटना है कि संयोग से कौन सा स्पर्म उस ओवम को फर्टिलाइज कर रहा है वो, और फिर भी यदि हम लोग इसकी उत्तरदायी या दायित्व या जिम्मेदारी किसी पर डालना चाहें तो एक प्रकार से वो मेल पर डिपेंड करता है कि भावी संतति लड़का होगी या लड़की होगी। ये सब बातें आपने 8th क्लास में भी पढ़ी है कि मनुष्य में किस प्रकार से लिंग निर्धारण होता है, यही चीज़ें आपने 10th में पढ़ी है, यही बात फिर से आपको 12th क्लास में बताई जा रही है इस 3rd चैप्टर में, और यही बात फिर से 5th चैप्टर में आपके आएगी। ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग, कि मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है, ये बार बार इसलिए बताया जाता है
कि आज भी हमारे देश में अशिक्षा के कारण से लड़की होना या लड़के होने की जब होता है तो उसका ये माना जाता है उस महिला में ही कुछ दोष है, और आज अभी भी ये माना जाता है कि लड़का होना ही वंश वृद्धि के लिए आवश्यक है। ठीक है, सभी लोग लड़का को चाहते हैं ऐसे, अभी भी हालांकि काफ़ी जागरूकता हुई है, फिर भी अभी भी ऐसी स्थितियां शहरों में भी है, गांवों में भी है, कि सभी लोग ये चाहते हैं कि उनका कोई ना कोई बेटा हो, और यदि बेटी पैदा हो जाती है तो उसका दोष उस माता पर दिया जाता है कि इसके कारण से हुआ। हालांकि दोष किसी का नहीं है, सिक्के उछालने जैसी क्रिया है, सिक्का उछालते हैं तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है ना। तो वैसे ही ये एक संयोगात्मक घटना है कि एक्स क्रोमोसोम वाला यदि स्पर्म फर्टिलाइजेशन में भाग ले रहा है तो लड़की, यदि वाई क्रोमोसोम वाला फर्टिलाइजेशन में भाग ले रहा है तो लड़के का जन्म होना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये लिंग निर्धारण भी आपको बता दिया। अब हम लोग चलते हैं आगे इम्प्लांटेशन, शुरुआती भ्रूण विकास कैसे हुआ और वो भ्रूण गर्भाशय की दीवार में रोपित कैसे होगा उस पर चर्चा करते हैं। तो ये डायग्राम ये बाहर दिखाया गया, यही चीज़ अंदर है, इधर स्मॉल ए में, इधर अंदर कैपिटल ए में, ये और ये ए की चीज़ है, ऐसे ये बी और ये भी ए की चीज़ है, अंदर की चीज़ को ही बाहर दिखाई गई है। तो ये देख रहे हैं ये ओवम यहाँ से रिलीज़ हुआ है, किससे, ओवेरी से, और बी में ये दिख रहा है फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एक स्पर्म अंदर घुस गया है और इसकी टेल बाहर रह गई, बाकी मिडल पीस, हेड और नेक ये अंदर आ गए। फिर ये यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया, कहने मतलब ये है, फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद उस युग्मनज में जाइगोट हो गया, फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट क्या हुआ, जाइगोट, जाइगोट में तुरंत ही विभाजन होने शुरू हो जाते हैं। ये सभी विभाजन माइटोसिस होंगे, सब के सब समसूत्री विभाजन होंगे। काफ़ी बार मैं पिछले वीडियोस वगैरह में बोला है मैंने कि मियोसिस केवल युग्मक निर्माण के समय, गैमेटोजेनेसिस के समय एनिमल्स में, और प्लांट्स में स्पोरोजेनेसिस के समय होगा। ठीक है, स्पोरोजेनेसिस इन प्लांट्स और गैमेटोजेनेसिस इन एनिमल्स, ये मियोटिक डिवीज़न होते हैं। बाकी सब के सब डिवीज़न, कैसे भी डिवीज़न हो, कोई भी कैसा भी विभाजन हो, वो सब के सब समसूत्री प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये जो शुरुआती विभाजन होते हैं इसका शुरुआत करता है, हमने जब स्पर्म की स्ट्रक्चर पढ़ी थी तब मैंने कहा था कि जो प्रोक्सीमल सेंट्रियोल है, नेक में दो सेंट्रियोल थे, प्रोक्सीमल और डिस्टल, समीपस्थ और दूरस्थ तारक केंद्र। तो जो समीपस्थ तारक केंद्र है शुक्राणु का, वो शुरुआती विभाजनों को प्रेरित करता है, वो शुरुआत करवाता है। ठीक है, तो इन शुरुआती विभाजनों के लिए नाम है विदलन, अंग्रेजी में बोलते हैं क्लीवेज, क्लीवेज बोलते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में बोलते हैं विदलन। तो भ्रूण में या युग्मनज में होने वाले प्रारंभिक विभाजनों को क्या बोलते हैं, विदलन या क्लीवेज बोलते हैं। इसके फलस्वरूप युग्मनज में पहले दो कोशिकाएं बनी, दो से चार, चार से आठ, आठ से सोलह, ऐसे कोशिकाएं बनती है। ठीक है, इन कोशिकाओं के लिए नाम आता है हिंदी में कोरक खंड, हिंदी में नाम आता है कोरक खंड, और अंग्रेजी में नाम आता है इसके लिए ब्लास्टोमियर, अंग्रेजी में इनके लिए बोल देते हैं ब्लास्टोमियर। ब्लास्टोमियर, तो इसमें इस सी डायग्राम में दो ब्लास्टोमियर है, इसमें डी में चार ब्लास्टोमियर है, इस ई डायग्राम में आठ ब्लास्टोमियर है, और इस एफ में सोलह ब्लास्टोमियर है। और ये सब इसके अंदर है, ये देखो ये एफ वाला यूट्रस में आया है, इससे पहले वाले सब फेलोपियन ट्यूब में ही चल रहे हैं।
फर्टिलाइजेशन हो गया एम्पुलरी रीजन में, और उसके बाद में इस्थमस वाले पोर्शन में ये 2, 4, 8, 16 कोशिकीय बने, ठीक है। ये सब के सब जोना पेल्यूसिडा के अंदर हो रहा है, ये भी ध्यान रखना है। तो बाहर जी ये जो नेवी ब्लू टाइप का या लाइट ये पर्पल कलर जैसा दिख रहा है, ये जोना पेल्यूसिडा को दिखा रहा है। जोना पेल्यूसिडा के अंदर ही हो रहा है, ठीक है। जोना पेल्यूसिडा इस प्रो एम्ब्रियो को फेलोपियन ट्यूब में इम्प्लांटेशन से बचाता है, ठीक है। यानी ये किसी अवांछित जगह नहीं रख जाए, भ्रूण का रोपण फेलोपियन ट्यूब में नहीं हो जाए, ये जोना पेल्यूसिडा सुनिश्चित करती है। जोना पेल्यूसिडा के अंदर ये बन रहे हैं। और 8 से 16 कोशिकीय, 8 से 16 ब्लास्टोमियर वाली जो संरचना है उसके लिए नाम है मोरूला। तो इस ई का नाम मोरूला दिया है, इस ये एफ भी मोरूला है, मोरूला। 8 से 16 कोशिकीय प्रो एम्ब्रियो को क्या बोलते हैं, प्राक भ्रूण को मोरूला बोलते हैं, या शुरुआती भ्रूण को क्या बोलते हैं, मोरूला। और मोरूला किसके अंदर घिरा रहता है, जोना पेल्यूसिडा के अंदर ही होता है। बाहर इसका जोना पेल्यूसिडा है, उसके अंदर है ये मोरूला। मोरूला में ब्लास्टोमियर्स की संख्या कितनी है, 8 से लेकर 16 तक, ठीक है। और ये सब कहाँ बन रहा है मोरूला, ये सब बन रहा है इस फेलोपियन ट्यूब में। जैसे ही ये मोरूला यूट्रस में आता है, वैसे ही जोना पेल्यूसिडा गायब हो जाती है, जोना पेल्यूसिडा हट जाती है। और अब इस एम्ब्रियो अपना साइज़ बढ़ाता है। इतनी देर साइज़ वो लिमिटेड था, जितना ओवम था उतना ही रहा, जितना ओवम था ना उसके अंदर ही, सिर्फ कोशिकाओं की संख्या बढ़ रही थी, उसका साइज़ नहीं बढ़ रहा था। अंडाणु जितना बड़ा था उसके अंदर ही हो रहा था सब काम, अंडाणु के बाहर। जोना पेल्यूसिडा के अंदर अंडाणु में एक ही सेल थी, ये एक ही सेल थी, यही सेल दो में डिवाइड हो गई, यही सेल और छोटी छोटी 4 कोशिकाओं में हो गई, ये और छोटी छोटी 8 कोशिकाएं छोटी होती जा रही है। भ्रूण का साइज़ नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि उसके बाहर एक रुकावट है जोना पेल्यूसिडा की, वो रुकावट उसको इस फेलोपियन ट्यूब में रोपित होने से बचा रही है, ठीक है। अब उस जोना पेल्यूसिडा लेयर गायब हो गई कहाँ, यूट्रस में आते ही जोना पेल्यूसिडा हट जाती है। हटते ही अब इसका साइज़ बढ़ने लग जाता है, साइज़ बढ़ने लग जाता है। तो इनमें कुछ कोशिकाएं जो बाहर की तरफ है, अब ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर में बदल गई, अंगूठी नुमा संरचना में। बाहर वाली कोशिकाएं जो है वो चपटी चपटी होकर और बाहरी परत बनाती है, इस बाहरी परत को बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। बाहरी परत को बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। और बाकी सभी कोशिकाएं एक जगह इकट्ठा हो जाती है, इस कोशिका के समूह को बोलते हैं इनर सेल मास, ठीक है। रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, तो बीच में ये यहाँ पर वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे खाली जगह रह गया, ये तरल से भरी हुई एक गुहा बन जाती है, इसको बोलते हैं ब्लास्टोसील। सील की स्पेलिंग COEL, ठीक है, ब्लास्टोसील। एक बार ये काफ़ी चीज़ें होगी इधर, इसलिए एक बार इसको इरेज करते हैं, वापस लिखते हैं इसको। तो इसके देखते हैं, तो ये क्या था, ये ब्लास्टोमियर्स जो थे, जब जोना पेल्यूसिडा हट गई तो बाहर बाहर वाले जो ब्लास्टोमियर है वो चपटी कोशिकाओं के रूप में चपटी कोशिकाओं की परत के रूप में आ जाती हैं, इस परत को बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट।
बाकी कोशिकाएं एक समूह के रूप में एक जगह एकत्र हो जाती है, इनको बोलते हैं इनर सेल मास। बाकी जगह रिक्त स्थान रह जाता है, वहां पे तरल से भरी एक कैविटी बन जाती है, उसको बोलते हैं ब्लास्टोसील। ब्लास्टोसील और इस पूरी रिंग लाइक स्ट्रक्चर के लिए नाम है ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट हिंदी में कोरक पुट्टी, कोरक पुट्टी। और यही ब्लास्टोसिस्ट इस यूट्रस के अंदर यहाँ पे जी में दिखाया गया, ये जी और ये जी एक ही है, ठीक है। तो यूट्रस में आता है। अब ये ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस की यानी गर्भाशय की एंडोमेट्रियम लेयर में धंस जाएगा, एंडोमेट्रियम लेयर में इनर सेल मास की तरफ से, इनर सेल मास की तरफ यानी दीवार की तरफ। ये ध्यान से देखें तो ये इनर सेल मास है इधर, और ये बाहर रिंग लाइक जैसे अंगूठी की बाहर बाहर वाला जो आवरण होता है वो ट्रोफोब्लास्ट, और अंगूठी का जो ऊपर वाला जो सीट्स है अंदर की तरफ होगा, इसमें बाहर की तरफ नहीं होगा अंदर की तरफ होगा, उसको क्या बोलते हैं इनर सेल मास। इनर सेल मास की तरफ से ये गर्भाशय की एंडोमेट्रियम से चिपक जाती है, चिपक गई। जैसे ये मान लेते हैं ये अपनी ब्लास्टोसिस्ट है, ये एंडोमेट्रियम है, ये ऐसे चिपकता है इनर सेल मास की तरफ से, और धीरे धीरे जो एंडोमेट्रियम लेयर है इसको चारों ओर से घेर लेती है, और ये पूरा पूरा जो ट्रोफो ये जो ब्लास्टोसिस्ट है वो यूट्रस की दीवार के अंदर समा जाता है। यानी बाहर से यदि देखे कोई यूट्रस की दीवार को तो कुछ नहीं दिखाई देता है, वो जो ब्लास्टोसिस्ट है वो पूर्ण रूप से अंदर समा जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं भ्रूण का रोपण, इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो, इम्प्लांटेशन। और फिर आगे का जो विकास है वो बाद में हम लोग चर्चा करेंगे उसमें, यहाँ तक कि अभी तक हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। एक और हम लोग डायग्राम से देखते हैं इसको, ये लगभग वैसा ही डायग्राम, इसमें डेज और बताए गए हैं वही है। ये ओवेरी दिखाई दे रहा है, इससे ये ऊसाइट, क्योंकि सेकेंडरी ऊसाइट अवस्था में था, यहाँ पे डे ज़ीरो बोला है फर्टिलाइजेशन को, डे ज़ीरो यानी जिस दिन फर्टिलाइजेशन हुआ। पहला क्लीवेज यानी दो जो बनते हैं, पहला क्लीवेज प्रारंभ हुआ, दो कोशिकीय अवस्था आई, दो ब्लास्टोमियर दूसरे दिन। फिर तीन से चार दिन के अंदर ये मुरूला बन जाता है, आठ कोशिकीय अवस्था का मुरूला, ठीक है। चौथे दिन 16 कोशिकीय मुरूला पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। पांचवे दिन ये देखो इनर सेल मास इधर दिख रहा है, ये एक तरीके से ब्लास्टोसिस्ट बन गया, अर्ली ब्लास्टोसिस्ट बोल रहा है ये। छः सात दिन में ये पूर्ण रूप से परिपक्व ब्लास्टोसिस्ट हो जाता है। लगभग आठवें नवें दिन ये क्या हो जाता है, ब्लास्टोसिस्ट का गर्भाशय में रोपण हो जाता है, गर्भाशय में रोपण हो जाता है, ठीक है, इनर सेल मास की तरफ से। इस इनर सेल मास में कुछ ऐसी कोशिकाएँ होती हैं जिनको स्टेम सेल्स बोलते हैं, जिसमें पूरा का पूरा भ्रूण बनाने की, शिशु बनाने की क्षमता होती है। और इनमें भी ये जो मोरूला तक की जो अवस्था है, 8 से 16 कोशी की अवस्था, उसमें भी ये क्षमता है कि ये पूर्ण रूप से शिशु का निर्माण कर सकती है। तो जुड़वा बच्चों होने का कारण यही है कि ये रोपण से पहले पहले 16 कोशी की अवस्था किसी भी अवस्था में दो भाग में टूट गई, 8-8 या 10 और 6, है ना, यहाँ तक कि 15-1 किसी भी प्रकार से दो इक्वल या अनइक्वल भागों में बंट गई, और वो दो ब्लास्टोसिस्ट के रूप में यूट्रस में अलग अलग जगह इम्प्लांटेशन हो गया, रोपित हो गए, तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस पैदा होते हैं। दो प्रकार के ट्विंस बोलते हैं हम लोग, मोनोजाइगोटिक ट्विंस, जिसको हम आइडेंटिकल ट्विंस भी बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं एक युग्मजी यमज, जुड़वा के लिए शुद्ध हिंदी में शब्द आता है यमज, और एक युग्मजी यमज का मतलब हो गया कि एक जाइगोट से बनने वाले, यही जाइगोट था शुरुआत में, है ना, इसी के दो टुकड़े हुए हैं, क्योंकि ये 16 कोशिकीय तक पूरे पूरे बच्चे में विकसित होने की क्षमता थी, दो टुकड़े हो गए,
तीन टुकड़े हो गए तो तीन एक जैसे शक्ल सूरत वाले बच्चे पैदा होंगे। ठीक है, कई बार क्या होता है कि कुछ भ्रूणीय गड़बड़ी के कारण से पूर्ण रूप से अलग नहीं होते, पूर्ण रूप से अलग नहीं होते, कुछ कोशिकाएं साथ में चिपकी रहेगी, रोपित हो गया तो दो बच्चे पैदा होते हैं लेकिन उनके पेट चिपके हुए, कईयों के सिर चिपके हुए पैदा होते हैं, तो वो सब भ्रूणीय एबनॉर्मेलिटी के कारण से हुआ, गड़बड़ी के कारण से हुआ। तो वो आइडेंटिकल ट्विंस हुए, दोनों की शक्ल सूरत एक जैसी, दोनों का लिंग एक जैसा, क्यों लिंग निर्धारणीय हो गया, एक ही युग्मन से हुआ, मोनोजाइगोटिक, एक जाइगोट से बनने वाले जुड़वा। ठीक है, एक होता है बाईजाइगोटिक ट्विंस, दो जाइगोट से। अब दो जाइगोट कब होंगे, जब दो अंडाणु होंगे, दो अंडाणु और दो शुक्राणु, दो अलग अलग अंडाणु, दो अलग अलग शुक्राणु, शनि से चंद्रमा। वो कब होगा, जब दोनों अंडाशय एक साथ ओव्यूलेशन करता है, जो कि बहुत ही रेयर है। अंडाशय ओवेरी जो है वो एक अल्टरनेटली ओव्यूलेशन करता है, तो इसीलिए सामान्यतः मनुष्य में जो संतान उत्पन्न होते हैं वो एक ही संतान उत्पन्न होती है, या जुड़वा पैदा होती है तो वो दोनों एक जैसे होते हैं, दोनों लड़कियाँ या दोनों लड़के, शक्ल सूरत एक जैसी है ना। तो वो तो उसके कारण से कि ये रोपण से पहले पहले भ्रूण के दो टुकड़े हो गए, दो अलग अलग जगह रोपित हो गए। लेकिन बाईजाइगोटिक ट्विंस में दो अलग अलग जाइगोट कब, बहुत कम स्थितियां ऐसी होती है कि किसी महिला में दोनों अंडाशयों से अंडाणु त्याग दिया गया है और उन दोनों का निषेचन हो गया, दो अलग अलग युग्मनज बन गए, दो अलग अलग फेलोपियन ट्यूब में, एक इधर वाली फेलोपियन ट्यूब, एक दूसरी तरफ वाली फेलोपियन ट्यूब में। अब जो संतान उत्पन्न होंगी उनकी शक्ल सूरत एक जैसी नहीं होगी, दोनों लड़के भी हो सकते हैं, दोनों लड़कियां भी हो सकती है, एक लड़का एक लड़की भी हो सकते हैं, लेकिन उनकी शक्ल सूरत एक जैसी नहीं होगी, क्योंकि दो अलग अलग जाइगोट से बने हैं, उनको बोलते हैं बाईजाइगोटिक ट्विंस। ये बहुत रेयर घटनाएँ हैं, कम ही मनुष्यों में ऐसा होता है। तो यहाँ तक की हम लोग ने चर्चा की है, आगे अगला जो वीडियो होगा वो इस चैप्टर का लास्ट पोर्शन होगा, उसमें हम भ्रूण का विकास, जो इम्प्लांटेशन के बाद में प्लासेंटा कैसे बनेगा है ना, इस भ्रूण को पोषण वगैरह कैसे प्राप्त होगा उस पर चर्चा करेंगे, और किस अवस्था के भ्रूण में कौन कौन सी संरचनाएं बनती है, प्रसव कैसे होता है, पार्चुरेशन जिसको बोलते हैं शिशु का जन्म, ठीक है, और एक लैक्टेशन, ये कुछ दो चार टॉपिक बचे हैं, वो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक्स है एग्ज़ाम की दृष्टि से भी, समझने की दृष्टि से। विश्वास है आपको ये वीडियो पसंद आए होंगे, तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए और ध्यानपूर्वक इसका अध्ययन करें। धन्यवाद।